नमस्कार सभी को। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन हो रहे हैं लुई हे की बुक, फेमस बुक यू कैन हील योर लाइफ पर। और आज हम हैं चैप्टर 8 पर, और मैं इनवाइट करती हूँ पूनम जी को कि वो आए और चैप्टर 8 का विजडम और जो लुई हे हमें करने के लिए कहना चाह रही हैं उसके साथ कनेक्ट करें और उसको समझाएं। वेलकम पूनम जी। थैंक यू रूबी जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम सभी लुई हे की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 तक हमने बहुत कुछ सीखा है। फ्रेंड्स, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे रोज का प्रैक्टिस जरूरी है। सालों सालों से जो हमारे विचार है वो एक दिन में नहीं बदले, उस पे हमें वर्क करना है तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो सुन लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ चेंजिंग। नहीं, आपको अपने विचार पे काम करना है, थॉट पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर जो नकारात्मक भावना है वो सब पे काम करना है, सब पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, अपने आर्ट से प्यार करना है, सेल्फ लव, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं जो भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। इस तरह हम लोग हर लेसन में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए हैं। और आज का जो चैप्टर है, इतना दिन हम लोग कल का सेशन था परिवर्तन कैसे लाए, आज का है नवीनता। जब हम परिवर्तन ला रहे हैं तो नवीनता क्या आनी चाहिए हमारे अंदर? चेंज होना है, मगर चेंज होके क्या चेंज करना है? इस ड्रेस को चेंज करके कौन सी ड्रेस पहननी है ये तो हमें सोचना होगा ना। तो परिवर्तन लाके हमें नवीनता में क्या लाना है, आज का सेशन उस पे है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट के लिए सभी को आंखें बंद करके बैठने बोलूंगी। आंखें बंद कर ले, एकदम अपने आप को रिलैक्स कर ले। जब हम शांत मन से कोई भी चीज सुनेंगे तभी वो हमारे अंदर आएगी, और हमारा मन अभी भी अशांत रहेगा, ये काम वो काम वो काम नहीं। और शांत होने के लिए क्या करना होगा, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना होगा, अपने आप को देना होगा अपना वक्त, तब हम विचारों से मुक्त होंगे और हमारा ध्यान एक जगह लगेगा। तो आंखों को बंद कर ले, एकदम रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स कि बस अभी मैं यहीं पे हूँ और कहीं पे नहीं, वर्तमान में आ जाए। पास्ट को फ्यूचर की चिंता ना करे, पास्ट को भूल जाए, फ्यूचर की चिंता भी ना करे, अभी प्रेजेंट में रहे कि अभी आप क्या करने बैठे हैं वही करना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपने आप को बोले मैं बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सुबह से जो दौड़ भाग थी उस सब से मैं रिलैक्स होके बैठ गई। अपने मन को बिल्कुल शांत होने दे, एकदम शांत, कोई उथल पुथल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अब आप 1 मिनट के लिए अपने सिर्फ श्वासों पे ध्यान देंगे। 1 मिनट तक पूरा ध्यान श्वास पे, एक भी श्वास आपकी बिना जानकारी के आने जाने ना पाए, हर श्वास पे ध्यान देना है। अब आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आंखें बंद ही रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आह्वान करूंगी हमारे गुरु
पितामह खत्री जी को मैं आह्वान करूंगी, महावतार बाबा जी को मैं आह्वान करूंगी, लुई एलहे को, लुई एलहे जिन्होंने ये बुक लिखा है, ये ज्ञान हमें पहुंचाया हम तक, वो आए और हमारे इस सेशन के सभी साधकों के प्रति अपनी जो भावना है उसे पहुंचाए। मेरे वाणी द्वारा लुई है सभी को ये पहुंचाए, मैं उन्हें आग्रह करूंगी ताकि हम भी उन्हीं की तरह अपने जीवन को हील कर सके। क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं अपने जीवन को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने अतीत की बुरी यादों को निकाल देने के लिए। वर्तमान में हम जो शक्तिशाली है उस शक्ति को पहचानने के लिए, हमारे अंदर जो शक्ति छुपी है पॉजिटिव अफर्मेशन की, उसे हम जानेंगे पहचानेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। अपने आप से बोले मैं तैयार हूँ अपने जीवन की सभी बुरी यादों को छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने अतीत के सभी दुख दर्द को भूलने के लिए, मैं तैयार हूँ, मैं अपना भविष्य खुद बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जीवन को सुंदर, अपने परिवार को सुखी परिवार, अपने देश को सुखी संसार देखने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ लुईहे आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, मैं तैयार हूँ। मैं बिल्कुल मन से तैयार हूँ, सिर्फ सोचना नहीं है फ्रेंड्स, अपने आप को वादा करना है कि हाँ मैं तैयार हूँ। चाहे रोकर अपना निकालू गुस्सा, चाहे अपना दर्द रोके भी निकालू, मगर मैं सब कुछ निकालने के लिए गंदी बुरी आदत, बुरा बर्ताव जो मेरे मन में बैठा हुआ है सबके प्रति, बुरी भावनाएं, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी वाइब्रेशन में 10 सेकंड ऑन रहेंगे फ्रेंड्स। लुईहे को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, हमारे पूरे सेशन में वो हमारे साथ रहेंगे और हमें अपना ज्ञान देंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स और अपने लिए जोरदार ताली कि आप तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। यस, तो क्या करना है, अपने आप को बोलना है यस मैं तैयार, यस मैं तैयार हूँ। फ्रेंड्स, जब हम किसी को सामने देखकर हमें क्या पता चलता है, जब हम आमने सामने बात करते हैं, कोई बात कर रहा है इधर और मैं दूसरे कमरे से सुन रही हूँ उसका जवाब दे रही हूँ, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वैसे ही अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे
तो मुझे मजा नहीं आएगा आपसे बात करने में, आपको समझाने में। इसीलिए जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपका ध्यान कहाँ है। जब हमें कोई कुछ बात बोलता है हमारे घर में, हम उसके फेस तरफ देखते हैं ना, अच्छा वो मेरे को क्या बोल रहा है, ओके, उसके फेस तरफ देख के हमें समझ में आता है ना, अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा मुझे ये बात करनी, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। कल हमने क्या जाना था फ्रेंड्स, कोई भी बताना चाहेगा चैट बॉक्स में लिख दे, कल हमने क्या सीखा था, या कोई भी हैंड रेज करे पूरा डिटेल में जो बताना चाहेगा कल क्या क्या सीखा था, कल का विषय क्या था वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कल क्या क्या वर्क किए थे, क्या काम किए थे। अनुपमा पटेल जी, वेरी गुड। जो सबसे पहले हैंड रेस करता है ना, वही सबसे पहले अपने आप को हील करता है फ्रेंड्स। यस बोलिए अनुपमा जी। मैम कल हमने जाना था क्षमा के बारे में कि क्षमा कैसे करना है, अतीत के क्षण को पकड़ के नहीं रखना है, उसको क्षमा करते चले जाना है। फिर उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करी थी अपने पहले नाराजगी खत्म करने की, उसके बाद प्रतिशोध का अभ्यास किया था, बदला लेना है उसको, हमें कैसे क्षमा करना है। उसके बाद क्षमा करने के लिए आपने हमें 3 एक्सरसाइज कराई थी 10-10 मिनट की, और उसके बाद हमने एक कल्पना का अभ्यास किया था। वेरी गुड। और हमें जो बचपन से प्यार नहीं मिला था, हमारे माँ बाप को प्यार नहीं मिला था, उन्हें हमें प्यार दिया था एक छोटे बच्चा समझकर, जैसे बच्चे को प्यार देते हैं, और अपने दिल में बैठाया था ताकि हम एक दूसरे को प्यार करते रहे, ताकि उनके भी जीवन में जो प्यार की कमी है वो भी पूरी है, और हमारे जीवन में जो प्यार की कमी थी बचपन से वो भी हमें पूरी हो जाए। थैंक यू बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज 35 जन में एक जन ने इतना अच्छा हिम्मत करके बताया है, उनके लिए जोरदार ताली। थैंक यू अनुपमा जी, वेरी गुड। यस फ्रेंड्स, तो आज हम आगे बढ़ेंगे नवीनता का निर्माण। परिवर्तन करना है, परिवर्तन करके क्या लाना है, क्या नया लाना है। चेंज तो होना है हमें, मगर चेंज होके क्या करना है। अगर मुझे ड्रेस चेंज करनी है, कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो मैंने सोच के रखा है ना कि अच्छा ये पहनना है मुझे, ये ड्रेस चेंज करके मुझे ये पहनना है, या ये विचार चेंज करके मुझे ऐसा विचार लाना है। तो वही है आज का नवीनता का निर्माण। नवीनता का निर्माण हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग जो आज तक सोचते आए हैं, हमारे भीतर जो मौजूद उत्तर मुझे आसानी से समझ में आते हैं, हमें समझ में आता है ना हमारा आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मैं मोटा नहीं चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये सब हमारे विचार थे आज तक, ऐसे उत्तर थे हमारे अंदर कि मैं ये, जैसे अरे तुम कैसी हो, क्या हो, अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई, मैं मोटी नहीं होना चाहती, ये हमारा उत्तर था। ये सब चेंज करके हमें क्या बोलना है, आपसे पहले क्या क्या चेंज करना है देखिए, ये जस्ट थोड़ा एग्जांपल है। मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, अपने माता पिता जैसा नहीं होना चाहता, मतलब नहीं चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता, उसको अब हमें भूलना है। आप जिस चीज पर ध्यान देते वह और बढ़ती जाती है। अगर आप बोलेंगे मैं मोटा नहीं होना चाहता, तो मोटा होना जो है ना वो और बढ़ता जाएगा, आप मोटे होते जाएंगे। उस चीज पे ध्यान हमें नहीं देना है, क्योंकि जो अगर हम नहीं चाहते अपने लाइफ में, उसको बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, तभी आप चेंज हो सकेंगे, नवीनता का निर्माण ला सकेंगे। जिस चीज पे हम ध्यान देते वो और बढ़ती जाती है। अगर मैं ध्यान दूंगी कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो वो फॉल ही होते जाएंगे। मुझे क्या ध्यान देना होगा, मेरे हेयर बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सुंदर है, तो वैसा होगा। अगर मैं बोलूंगी मैं मोटी होती जा रही हूँ, मुझे मोटा नहीं होना है, तो मैं मोटी ही होती जाऊंगी। नहीं होना ये ब्रह्मांड नहीं सुनेगा, क्या सुनेगा, मैं मोटी हो रही हूँ और मैं मोटी होती जाऊंगी।
ये दो एग्जाम्पल जस्ट मैंने दिया है, इसी तरह हमें हर बात को अपना चेक करना है। ये चीज दिखती है कि हमें किस तरह नकारात्मक चीजों से मानसिक संघर्ष करना सिखाया जाता है। जो भी नकारात्मक भाव है उसे हमें मन मन में संघर्ष करना नहीं, ये नहीं ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो उसके बदले क्या बोले बोलेंगे आप? मैं दुबला हूँ या मैं मेंटेन हूँ। जो लोग दुबले हैं वो लोग बोलेंगे मैं मेंटेन हूँ, वो ये नहीं बोलेंगे मैं दुबला हूँ, नहीं तो वो और दुबले होते जाएंगे। मैं मेंटेन हूँ, इसीलिए ना दुबला बोलो ना मोटा, बोलो क्या मैं मेंटेन हूँ, मतलब मुझे जितना वेट चाहिए उतना है, मैं जैसे फिगर मुझे चाहिए मेंटेन है मेरा फिगर। तो क्या बोलना है? मैं खुशहाल हूँ, मैं हमेशा युवा हूँ। उसके पहले हम लोग क्या बोलते थे? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो उसका क्या बोलना है अब हमें? ये नहीं बोलना मैं बूढ़ा नहीं, आप बोलेंगे ये भी तो अच्छी बात है मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, नहीं ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मैं हमेशा युवा हूँ, युवा रहना चाहता हूँ ये भी नहीं, युवा हूँ, मतलब हो चुका है आपके संग ये चीज, वो आप बोलेंगे और वो ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मैं यंग हूँ, मैं यंग होना चाहती हूँ नहीं, वो चाहती में बदल जाएगा, मैं यंग हूँ। मैं अब एक बेहतर स्थान पर जा रही हूँ, जैसे उसका क्या पहले सोचा था, बोला था मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तो उसका क्या अब हमें बोलना है? मैं अब एक बेहतर स्थान पर जा रहा हूँ, मैं इस रास्ते में नहीं रहना चाहता था, उसका क्या बोलना है? मैं अब एक बढ़िया नए रिश्ते में हूँ। फिर क्या था? मैं अपने माता पिता जैसा नहीं होना चाहता, तो उसमें क्या बोलेंगे हम? मेरा अपना अस्तित्व है, मैं उनकी तरह नहीं होना चाहता, मतलब मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अपने बालों नाक शरीर से प्यार करती हूँ, उसका पहले अपने क्या बोलते थे? मैं यह बाल ये नाक ये शरीर नहीं चाहता हूँ, तो उसका बोलना है मैं अपने बाल नाक शरीर से प्यार करती हूँ। पहले हम क्या बोलते थे? मैं तनहा नहीं होना चाहता, आज तनहा से ही स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स अपना सेशन, और वही आ गया यहाँ पे लाइन। तो क्या बोलना है? मैं प्यार और स्नेह से भरा हुआ हूँ, प्रीति जी आपके लिए जवाब दुहे ने दे दिया है देखिए, क्योंकि उन्होंने बोला है ठीक है, रूबी जी ने समझाया वो भी अच्छा है, पूनम ने समझाया वो भी अच्छा है, मगर ये लाइन देखिए आपके लिए ही आ गया सेशन। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये बुक में लिखा हुआ है कि मैं प्यार और स्नेह से भरा हुआ हूँ। तो आप इसको नोट कर ले, जब भी आपको ये लगे अकेलापन महसूस हो तो आप उसे अकेलापन को हटाकर क्या सोचेंगे अपने बारे में? मैं प्यार और स्नेह से भरा हुआ हूँ, मैं आनंदमय खुश और मुक्त हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जो पहले हम बोलते थे मैं बीमार नहीं होना चाहता, बीमारी मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बोलते थे ना, अब हम क्या बोलेंगे? मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये इतना है। अब हम क्या करेंगे? ये नवीनता का वर्ड हमने निर्माण कर लिया, अब हम प्रतिज्ञाएं भी करेंगे, सिर्फ निर्माण कर लिया हो गया नहीं, प्रतिज्ञा भी करेंगे। बहुत करना पड़ेगा अपने लिए काम, बहुत मुझे हंसी आती है बोलने के वक्त कि कितना काम लुईहे ने कराया है हमसे, किया है उन्होंने खुद, तब वो अपने सारे सारे दिन में 3,000 एक थॉट को रखती थी, तब उनका थॉट पूरा हुआ, उनका विचार बदला और वो अपने पे काम की। हम तो एक दिन सुबह उठ के रात में बोल लिए बस हो गया। और हाँ, किसी ने पूछा था हेमा जी ने कि लिख कर सकते हैं, तो लिख कर उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिखेंगे हम एक टाइम में बैठ गए 500 बार लिख लिए तो वो एक टाइम में हुआ, बाकी सारा दिन हम वैसी बातें नहीं, हर मोमेंट में हर एक घंटा हर 2 मिनट हर 5 मिनट हर 10 मिनट में उसको रिपीट करना है, तो वो सारा दिन चलता रहेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और लिखेंगे वो उसी वक्त दिमाग में रहेगा, तो लिखा हुआ भी इतना काम नहीं करेगा। आप 24 घंटा लिखते रहिए, काम करेगा, जरूर करेगा, वो हम कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो हमें दिन भर ही ऐसा सोच रखना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुक्त हूँ। यस, अब प्रतिज्ञाएं क्या है? सकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखे, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचे, ये अपने आप से प्रतिज्ञा करे कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही बातें सोचूंगी, कोई भी बात जो आप बोलते हैं वह प्रतिज्ञा हो सकती है।
अक्सर हम नकारात्मक दृढ़ता के रूप में सोचते हैं, नकारात्मक प्रतिज्ञा केवल उसे बढ़ा सकती है। जो भी नेगेटिव सोच हम सोचते हैं वो प्रतिज्ञा बन जाती है, हम लोग जो भी सोचते हैं वो प्रतिज्ञा बन जाती है, तो हमें सकारात्मक सोच रखना है। नेक्स्ट है, उसी में और थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं हूँ या मेरे पास है ऐसा सोचना आपका अवचेतन मन ऐसा आज्ञाकारी सेवक है कि यदि आप भविष्य काल में घोषित करते मैं चाहता हूँ या मेरे पास होगा, तो यह चीज हमेशा वहीं रहेगी, आपकी पहुंच से दूर भविष्य में रहेगी। मैंने बोला ना, चाहता हूँ या होगा ये नहीं, हो गया मेरे पास ये है ऐसा सोचना है, मैं खुश हूँ ये नहीं, मैं खुश होना चाहती हूँ। तो हमेशा चाहती मतलब क्या, भविष्य हो गया हमें वर्तमान में, हाँ मैं खुश हूँ ये बोलना है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? यस, थैंक यू। अब क्या करना है, स्वयं से प्रेम करना, ये भी नवीनता का निर्माण है। जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तो नवीनता की ओर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो समस्या जो भी हो, मुख्य बात अपने आप के से प्यार करने का प्रयास करना है। यह वह जादू की छड़ी है जो समस्याओं को गायब कर देती है। वह समय याद करो जब आपने अपने विचार में अच्छा महसूस किया था और आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। कभी भी लाइफ में ऐसा टाइम हमारा आया ही होगा फ्रेंड्स कि हम सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते थे, उस समय हमारा टाइम कितना अच्छा जा रहा था, क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा सोचा है उस समय। जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मेरे मन में अभी ये एग्जाम्पल आया, जैसे हमारी सगाई हुई, शादी हुई, सगाई के बाद कितना अच्छा, अरे वाह मेरा पति कितना अच्छा होगा, कितना प्यार करेगा, कितना अच्छा है, कितना सगाई के टाइम का हम लोग क्या बोलते गोल्डन पीरियड था सगाई के से शादी तक, क्योंकि हमारे विचार वही काम कर रहे थे, वाओ कितना हस्बैंड मेरा अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, प्यार से उसकी बातें सारे दिन प्यार वाली बातें मन में चलती थी। हमारे टाइम में तो लेटर था, फोन नहीं था, फोन मतलब बहुत कम था, मोबाइल तो था ही नहीं, वो फोन था डायल वाला, तो वो बात सारा दिन चलती थी, वाह आज मेरे हस्बैंड ने ये बोला, क्यों क्यों अच्छा लगता था, उस समय का गोल्डन पीरियड क्यों था, अब आपको समझ में आया, क्योंकि हमें उस वक्त उनकी सारी बातें गोल्डन लगती थी, सब बातें अच्छी लगती थी, तो वो हमारा गोल्डन पीरियड, सब बोलते ना सगाई से शादी तक का तो पीरियड वाह, वो तो जीवन में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शादी के बाद हम लोग यार ये प्रॉब्लम, अच्छा मेरा पति ऐसे मेरे को बोल दिया, सुबह जल्दी उठो मेरे लिए चाय बनाओ, यार कितना आप शादी के पहले आप कितने अच्छे थे, शादी के बाद आप कितने बदल गए, सच्ची में सबके संग यही होता है, ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड मेरे को ठीक बोली थी, अरे ये गोल्डन पीरियड है इसको जी लो जितना जीना है, शादी के बाद पति नहीं सुनने वाला, बस मेरे मन में वही आ गया, शादी के बाद पति नहीं सुनेगा, शादी के बाद वो गोल्डन पीरियड नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल अभी अभी मैंने याद आया मेरे मन में और मैंने आप लोग के संग बताया है, कैसा लगा एग्जाम्पल, मस्ती वाला है। मेरे पास सारे रोमांटिक रोमांटिक एग्जाम्पल रहते हैं क्योंकि मेरे जीवन में रोमांस ही रोमांस है, प्यार ही प्यार है, अपने प्रति, परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने पेड़ पौधे के प्रति, अपने खाने के प्रति, अपने शरीर के प्रति, सब जगह मुझे सिर्फ प्यार है, सबसे प्यार है, अपने जूम सेशन के प्रति, अपने जूम के फ्रेंड्स के प्रति, अपने मोबाइल से प्यार, अपने बुक से प्यार, अपने हर चीज को मैं प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं हर हमेशा हंसते रहती हूँ, क्योंकि जो हम लोग सगाई के बाद कितना हंसते, वाओ हर समय मतलब सगाई से शादी तक का पीरियड अगर 6 महीना हो ना, हमारा 4 किलो वेट बढ़ जाता है खुशी से। थैंक यू हेमा जी, है ना, खुशी से बढ़ जाता है ना, क्योंकि हम प्यार में रहते हैं, हमारे चेहरे पे ग्लेज आ जाता है शादी के जस्ट बाद, क्या बोलते हैं, हाँ इस समय थोड़ा सा चेहरा अच्छा हो जाता है, क्यों अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम सब प्यार में रहते हैं, सब कुछ सावन का हरा हरा दिखता है हमें, सावन में हर समय हरा हरा दिखता है ना, सब तरफ हरियाली, मगर वो हर समय नहीं रहता, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं, उस प्यार को हम भूल जाते हैं, अपने घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा और नहीं बताऊंगी, ये लेसन भी बड़ा है। यस फ्रेंड, समझ में आया ना सबको, कहाँ थी मैं, क्या बोल रही थी, कहाँ पहुंच गई, हाँ स्वयं से प्रेम करना, यस। तो आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था वह समय याद कीजिए, हाँ इस पे मुझे ये याद आ गया,
जब आप प्रेम में थे और उस समय को याद कीजिए जब आपके सामने कोई समस्या नहीं थी। अपने आप से प्यार करना आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करेगा और आपके लिए इतनी अच्छी किस्मत लाएगा कि आपके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ेंगे। अपने आप से प्यार करना आपको अच्छा महसूस करता है। अपने वास्तव आपने आपके वास्तव में प्रेम करना असंभव है। अपने आप से वास्तव में प्रेम करना, सेल्फ लव करना बहुत मुश्किल है। दूसरे को प्यार दे देंगे, बच्चे को, परिवार को, सबको प्यार कर देंगे, अपने आप से प्यार करना बहुत मुश्किल है। जब तक कि आप अपने अस्तित्व को, अपने आप को स्वीकार ना कर ले। इसीलिए सबसे पहले मैं अफर्मेशन में यही बोलवाती हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने आप को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ, आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है? मन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। मन को और दिमाग को प्रशिक्षित करना। उस अभ्यास पर वापस चलते हैं जो पहले भी हो चुका है, जो हमने पहले किया था। फिर से दर्पण में देखे और कहे, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ। अब कैसा महसूस हो रहा है? चलिए फ्रेंड्स, दर्पण निकालिए, फटाफट बोलिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। दर्पण लेके ही बैठा कीजिए फ्रेंड्स, और कैमरा ऑन कीजिए, मैं भी देखूं कितना अच्छे से आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं। निधि जी कहाँ है आज? निधि जी आई नहीं क्या? आए हैं, यस। चश्मा खोल दें, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि है ना, कैमरा ऑन कीजिए ताकि कुछ भी मिस्टेक हो हमें पता चल जाए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, सबसे पहले मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पांच बार बोलिए एकदम मन से, या लड़ के बोलिए आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, या प्यार से बोलिए, जैसे आपका मन समझे वैसे आप बोलिए। कोई बच्चे होते हैं ना प्यार से समझ जाते हैं, कोई बच्चे होते हैं ना डांटने पे समझते हैं, तो आपके अंदर कौन सा बच्चा है देखिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, यस। अब आगे बढ़ेंगे, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। पांच बार बोलिए, यस फ्रेंड्स। अब बोलिए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, चैट में लिखिए फटाफट, कैसा लग रहा है जब आपने अपने आप को पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकार कर लिया है और अपने आप से प्यार किया है। जिन्होंने प्यार किया है ना, उनके चेहरे पे स्माइल है। अनुपमा जी पटेल देखिए कितना मस्ती से हंस रहे हैं। मंजू जी, थोड़ी सी कमी लग रही है, आपने अपने आप को प्यार नहीं किया है, हंसी नहीं है आपके चेहरे पे। मैंने बोला ना कल ही, मिरर में जब देखेंगे ना, जब आप मिरर में देखेंगे अपने आप को, देखे आपको जब स्माइल आ जाएगी तो सोच लीजिए आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। ये आपका एग्जाम का रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। फीलिंग वंडरफुल, वेरी गुड। कुसुम जी, जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। जिन्हें अभी भी महसूस नहीं हो रहा है प्यार अपने आप से, अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि बोला ही है, बोली है इलुई है कि अपने आप से प्यार करना बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो लुई है कहती है, अब लुई है अपने बारे में बताती है, देखिए वो भी सुनना हमें जरूरी है। थैंक यू बिमला जी, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, यस। जिन दिनों मैंने अपनी आत्मवंचना बहुत सशक्त थी, मैं कभी भी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती थी, मैं आत्म स्वीकृति का अर्थ नहीं जानती थी,
अपने अभावों और सीमाओं पे मेरा भरोसा इतना सशक्त था कि मैं इसके विपरीत किसी बात को नहीं मानती थी। थैंक यू नंदा जी। यदि कोई कहता था कि वह मुझे प्यार करता है तो मेरे त्वरित प्रतिक्रिया यह होती थी, क्यों, किसी को मुझ में क्या दिखा। यह वही पुराना विचार है, अगर उन्हें बस पता चल जाए कि मैं अंदर से कैसी हूँ तो वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। मतलब वो बहुत हार्ड थी, मैंने बोला ना इतना नेगेटिविटी उनके अंदर था कि कोई जब उन्हें बोलता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो वो स्वीकार ही नहीं करती थी, क्यों, मेरे अंदर क्या है जो वो मेरे से प्यार कर रहा है। नहीं, यही वो पुराना विचार था। फिर क्या हुआ, मैं नहीं जानती थी कि सभी अच्छी चीजें अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए, अपने अस्तित्व से प्रेम करने से शुरू होती है। उन्होंने यह जान उस समय नहीं जानती थी लेखिका कि सभी अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए अपने अस्तित्व को यानी अपने आप को स्वीकार करना होगा, अपने आप को प्यार करना होगा। पहले मैं अपने बारे में छोटी छोटी चीजों की तलाश करती थी जिन्हें मैं अच्छा अच्छे गुण मानती थी। इससे भी मदद मिली और मेरा अपना स्वास्थ्य सुधार हो गया। यानी अगर आप में अभी भी लग रहा है मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तो आपके अंदर वो छोटे छोटे भी गुण होंगे, बड़े भी गुण होंगे, कोई छोटी सी अच्छी आदत होगी आपकी जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, वाह मेरे अंदर ये क्या गुण है, उसे आप याद कीजिए। जब आप उसे याद करेंगे ना तो आपको बहुत इजी होगा अपने आप को प्यार करने में, अपने आप को स्वीकार करने में, अपने आप को अच्छा बोलने में कि हाँ मेरे अंदर भी ये गुण है, वाह, है ना। ऐसा उन्होंने शुरू किया लुई हे ने। तो अच्छा स्वास्थ्य अपने आप से प्रेम करने के साथ शुरू होता है। अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो अपने आप से प्रेम करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, और मन से, सिर्फ बोलने से नहीं। इसी प्रकार संपन्नता और प्रेम तथा रचनात्मक आत्मविविक्तियां शुरू होती है। बाद में मैंने अपने सभी चीजों से प्रेम करना और उसे स्वीकार करना सीखा। जैसे कि मैंने बोला ना मुझे अपने सब चीजों से प्यार है। ये बुक मैं कल पढ़ी नहीं थी, मैं पहले ही बोल दी उसके बाद ये चीज आया। वो जो मैं शादी वाला वो मैं पढ़ी नहीं थी, मैं पहले ही बोल दी उसके बाद ये चीज आया कि कभी भी वो टाइम आप याद कीजिए जब प्रेम था वैसा। तो आज देखिए लुई है अपने आप बुलवा रही है, रोज ही बुलवाते हैं, आज उन्होंने अपने तरीके से पहले से ही समझाना शुरू कर दिया है। तो अपनी सभी चीजों से प्रेम करना और उसे स्वीकार करना सीखिए। अगर आपके पास छोटा भी घर है तो इसे स्वीकार कीजिए कि वाओ मेरा घर बहुत सुंदर है, मुझे यह घर बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरा कितना छोटा घर है, उसका तो इतना बड़ा है, मेरा भी इतना होता। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ये मत सोचिए कि अरे मेरे पास कब गाड़ी होगी, नहीं मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छा है। ऐसे सोचिए मेरे पास भी गाड़ी है, मैं उसमें बैठ के जा रही हूँ, घूम रही हूँ। अगर किसी को गाड़ी चाहिए फ्रेंड्स तो आप 21 दिन तक पूरा एकदम 100% अपना दीजिए, सारे दिन में वही सोचना है आपको कि मेरे पास गाड़ी है और ये कलर की है। पूरा विजुअलाइज कीजिए, ये कलर की गाड़ी है, ये कंपनी की है, ऐसा कलर है, ऐसा सीट है और उसमें मैं बैठ के घूमने जा रही हूँ, और उस भावना को फील कीजिए कि मुझे कैसा लग रहा है, वाह ठंडी हवा आ रही है, गर्मी है, एसी चला के मैं जा रही हूँ। सब कुछ अगर विजुअलाइज करके आप उसे रोज सोचे ना तो वो भी हो जाएगा, मगर रोज करना होगा और दिन में 500-500 बार सोचना होगा। बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है कि एक बार सोच लिए गाड़ी आ गई और आ गई, नहीं, पूरा मतलब तन मन पूरा दिमाग दिल सब उसी में लगाना होगा, पूरा एफर्ट देना होगा, तब वो आपके काम पूरा होगा। किसी को स्वास्थ्य सुधारना है तो उन्हें भी सारा दिन यही सोचना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं इतना मस्ती से डांस कर रही हूँ, कितनी स्वस्थ हूँ, मेरा सब पूरा बॉडी परफेक्ट है। ये नहीं कि मेरा ये ठीक हो गया, हो गया मतलब भविष्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है ना। अब क्या है, अभ्यास है फिर से, मैं खुद को पसंद करता हूँ। इसका अभ्यास कैसे करना है, मैंने यह अभ्यास सैकड़ों लोगों को दिया, लुई है कहती है, और इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे, मतलब बहुत अच्छा परिणाम हुआ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा उसे मिला, इसीलिए वो इस बुक में इसे लिखी है। अगले माह के लिए आपके आपसे बार बार कहे मैं खुद को पसंद करता हूँ, क्योंकि कल जो लेसन था वो तो इस माह आपको एक महीना पूरा करना है,
एक साथ सब कुछ नहीं करना है, वो होगा फिर ये नेक्स्ट स्टेप, एक एक सीढ़ी हमें चढ़नी है। नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, सारा दिन अपने आप से बार बार कहे, 500-500 बार, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ। ये अभ्यास करना है 1 महीना तक डेली। इसे दिन में कम से कम 300 या 400 बार कहे, यह नहीं, यह अधिक नहीं है। आप जब आप चिंता में हो तो कम से कम इतनी ही बार अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं। लुई है बोलती है 300-400 बार, ये तो बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा, नहीं ये नहीं है। जब आप खुशी में, दुख में, चिंता में होंगे ना, तो इससे ज्यादा बार हम सोचते हैं उस चिंता को, कभी गौर कीजिएगा। हर पल हमें वही चिंता घेरी रहती है, मतलब 3-3, 4-4 हजार बार हम लोग सोच सकते हैं सारे दिन में। फ्रेंड्स पता है कितने विचार आते हैं हमारे मन में, किसी को पता है तो टाइप कीजिए, तो विचार सारे दिन में 24 घंटा में हमारे कितने विचार चलते हैं सारे दिन में, मिनिमम और मैक्सिमम। साठ हजार बहुत कम है, 60-70 हजार हमारे सारे दिन में। एक नॉर्मल इंसान जो अभी अध्यात्म या ये सब लुई है का ज्ञान नहीं लिया है, जो लोग नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जो ध्यानी नहीं है, उनके सारे दिन में 90 हजार विचार आते हैं। तो अगर हमें लुई है बोल रही है 400-500 बार सोचो, तो बहुत कम है, ये ज्यादा नहीं है। 90 हजार विचार आते हैं सारे दिन में। एक नॉर्मल जो ध्यानी इंसान है उसे 60-50 हजार तक विचार उसे भी आते हैं। जो ब्रह्म ऋषि है, बहुत आगे हो चुके हैं, उनके विचार बहुत कम होते हैं। तो हम लोग तो अभी ऋषि भी नहीं बने, ब्रह्म ऋषि तो बहुत दूर की बात है। तो 90 हजार जब विचार हम कर सकते हैं, तो हम 400-500 या 3 हजार पॉजिटिव विचार एक ही बारे में क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जिस जगह आप ज्यादा जाते हैं ना, वहां पे लिख दीजिए, अपने किचन में एक लाइन लिख के रखिए, एक पेपर में उसे लगा दीजिए। जब जाएं किचन में, जितना देर काम कर रहे हैं वो विचार, रूम में आए अपने बेडरूम में एक पेपर वहां भी होना चाहिए, हॉल में जा रहे एक पेपर वहां भी होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, तब आपके 400-500 बार वो विचार मन में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो है ना प्रैक्टिकल अभ्यास, सब सिंपल सिंपल है, मगर क्या है ना उसमें पूरा, मतलब पूरा एफर्ट देना होगा, पूरा काम करना होगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं एक बार दो बार बोल दिया हो गया, 100% उसमें देना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। यस फ्रेंड्स, और यह कहना होगा कि मैं खुद को पसंद करता हूं। आपके अवचेतन मन में दबी हर विरोध बात को ऊपर लाने का ये गारंटी शुदा तरीका है। अवचेतन में जो बैठा हुआ है ना, दबी हुई जो विरोध की प्रतिक्रिया है ना, उसको हटाने के लिए ये करना ही होगा आपको। 1 महीने तक 400-500 बार सारा दिन में सोचना होगा कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, और ये सबसे पहले जरूरी है कि मैं खुद को पसंद करता हूँ। इन विचारों को जब तक आप उन पर विश्वास ना करना चाहे, तब तक बार बार बोलना है, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। चाहे जो भी हो, चाहे कोई आपसे जो कुछ भी कहे, चाहे कोई आपसे के साथ हो या ना हो, या आपके साथ कोई कुछ करे ना करे, बस इसे जारी रहने दें कि मैं खुद को पसंद करती हूँ। चाहे आपके बारे में कोई कितना भी नेगेटिव बोल रहा है, आपके परिवार में तुम अच्छी नहीं हो, बुरी नहीं हो, नहीं, उसे सुनना, वही निकाल देना। आप उसी समय अपने आप में दोहराना शुरू कर दीजिए, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। यस फ्रेंड्स, तो लुई है कहती है, मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं क्या थी, जब तक कि मैंने अपने आप को इस रूप में प्यार करना नहीं सीखा। ऐसे ही जब तक हम नहीं समझ सके, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, अपना रूप, वास्तविक रूप हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। नेक्स्ट है, अपनी जागरूकता को अभ्यास में परिवर्तित करें। ऐसे विचार को सोचे जो आपको प्रसन्न करे, ऐसे कार्य करें जो आपको अच्छा महसूस कराए, ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको अच्छा महसूस कराए,
ऐसी चीजें खाएं जो आपके शरीर को अच्छा महसूस कराए, ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको अच्छा महसूस करे। मतलब कुछ भी वैसा नहीं जो आपको तकलीफ दे, वैसा नहीं सोचना है, वैसा नहीं खाना है, वैसे लोगों से बात नहीं करना, वैसी जगह नहीं जाना है, सब कुछ अच्छा अच्छा अगर आपके घर में। इसीलिए मैं बोलती हूँ सबके घर में ना कुछ प्लांट्स होने चाहिए। जब आप प्लांट्स के पास जाएंगे ना, जब अपने हाथ से वो काम करना चाहिए, अपने हाथ से वो पौधा लगाना चाहिए, बीज डालना चाहिए, जब वो बीज उगेगा, पौधा होगेगा, आपके मन में कितनी खुशी होगी, वाओ ये बीज मैंने डाला था 10 दिन पहले, देखो अंकुर निकल गया। फिर आप जाएंगे, जब भी आपका मन दुखी होना, आप अपने घर में पौधे कम से कम 5-7 ही गमला लगाइए, कोई भी खिड़की में, कुछ भी तुलसी का है, कुछ भी फूलों का है, जब वो ग्रो अप करेगा ना आपको बहुत खुशी होगी। जब भी आपका मन दुख होगा ना आप उस पौधे के पास जाएं और उसे देखे, देखे आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। मेरे घर में लास्ट दिन मैं दिखाऊंगी मेरे घर में चारों बालकनी में कितने पौधे, कम से कम 50 गमले लगे हुए हैं, और सब मैं खुद करती हूँ, उसे पानी भी मैं खुद देती हूँ, उसके पत्तों को जो साफ करना है वो सब मैं खुद करती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बहाने क्या होगा ना, हम लोग प्लांट से कनेक्ट भी होते हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी को वो खत्म करती है, और जब हम मिट्टी में हाथ देते हैं तो हमारा ग्राउंडिंग भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे जगह जाएं, जब हम गार्डन में जाते हैं हमें कितनी खुशी मिलती है ना रंग बिरंगे फूल देखते हुए। तो गार्डन में रोज जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो लोग रोज जाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर हर वक्त तो नहीं जा सकते। अभी कुछ हुआ किचन में, थोड़ा स्ट्रेस आ गया, काम करते करते थक गए, तुरंत बालकोनी में गए, अपना मेरे इधर बालकोनी इसलिए मेरा नजर इधर जा रहा है और वहां बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए, तो तुरंत वहां जाए, देखिए आपका माहौल तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही जगह में जाना है। देखिए अब बीज बोना, वो लास्ट ही टॉपिक है जो मैंने बोला है। आज क्या हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो लास्ट में टॉपिक आ रहा, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ। एक क्षण के लिए टमाटर के एक पौधे के बारे में सोचिए, एक स्वस्थ पौधे पर सैकड़ों टमाटर लगे होंगे। टमाटर के उस पौधे जिस पर इतने टमाटर हो वो प्राप्त करने के लिए हमें एक छोटे से सूखे हुए बीज के साथ शुरू करना होगा। वह बीज टमाटर जैसा नहीं दिखता है, उसका स्वाद टमाटर के पौधे जैसा नहीं है। यदि आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो आप कभी नहीं मानते कि वह टमाटर का पौधा हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप इस बीज को उपजाऊ मिट्टी में डाल देते हैं और उसे पानी देते हैं, साथ ही उसे सूर्य की रोशनी भी मिलती है। जब पहली छोटी सी कोपल यानी छोटा सा पौधा जब निकलता है तो आप यह नहीं जानते कि टमाटर का पौधा नहीं है या है, बल्कि आप उसे देखते हैं और कहते हैं आहा ये तो निकल गया, वाओ, और आप खुशी से उसको बढ़ते देखते जाते हैं। इस बीच यदि आप उसे पानी और धूप देना जारी रखते हैं, झाड़ झंखाड़ को उखाड़ फेंकते हैं, जो आसपास गंदगी रहती है, जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं उन सबको हटा देते हैं, तो आपके सैकड़ों रसीले टमाटर वाला पौधा मिल सकता है। आप उस नन्हे बीज के साथ शुरू, यह सब उस नन्हे बीज के साथ शुरू हुआ था, जब हम छोटा सा बीज डाले थे तभी तो हुआ ना। तो वही बोलती है कि एक बीज बोने की तरह हमें काम करना है, अपने लिए एक नया अनुभव बनाना बिल्कुल ऐसा ही है। बीज डालना होगा धीरे 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 धीरे, वो एक ये एग्जाम्पल दी है लुई है कि जैसे हम एक बीज डालते हैं, फिर आसपास उसे सफाई करते हैं कि हाँ दूसरा कोई पौधा तो नहीं निकल आया, घास को उसे हटाते हैं, रोज धूप देते हैं, धूप में रखते हैं, धूप जहाँ है वहां रखते हैं, उसे धूप मिलनी चाहिए, पानी देना चाहिए, इतना केयर करते हैं, तो एक टाइम आता है कि उसमें बहुत सारे टमाटर ही टमाटर हो जाते हैं। जब वो पौधा छोटा सा होता है तब भी हमें विश्वास नहीं होता, पता नहीं टमाटर का ही पौधा है कि नहीं है। अगर हम पहले से वो काम किए हुए रहते तो हमें विश्वास हो जाता, हाँ हाँ ये टमाटर का पौधा ऐसा ही होता है, ये टमाटर का ही है। तो यही है, अपने ऊपर भी काम करना ऐसे ही है। तो लुई है कहती है कि आप उस पर सकारात्मक विचारों की धूप पड़ने देते हैं, आप वहां उगने वाले नकारात्मक विचारों के साथ झाड़ झंखाड़ को उखाड़ते हैं, और जब आप सबसे पहले नन्हे से प्रमाण को देखते हैं, जो रिजल्ट छोटा सा नन्ना सा पौधा दिखता है हमें, तो आप यह नहीं कहते कि यह काफी नहीं है, इसकी बजाय आप इस पहली सफलता को देखते हैं और खुशी से उछल पड़ते हैं। आपको लगता है अरे ये काफी नहीं है इतना सा, नहीं, आप खुशी से उछल पड़ते हैं, अरे वाह पौधा निकल गया, मतलब आपको विश्वास हो गया कि हाँ इस बीज का पौधा अब निकल गया है, ये बड़ा होगा, अब इसमें टमाटर होंगे।
यही है जो हमें अपने अंदर ऐसे ही काम करना है फ्रेंड्स। आखिर यह हो गया, यह काम कर रहा है, ऐसा हमें उस पौधे को देखकर लगता है। इसके बाद आप उसे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते भी हैं। तो ये नए परिवर्तन लाए, अभ्यास है। फिर लेखिका समझाती है कि अभ्यास नए परिवर्तन को कैसे लाना, उसका अभ्यास ये है। जब आप अपनी कमी की सूची बनाए और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदले, या फिर उन बदलावों की सूची बना सकते हैं जो आप करना और लाना चाहते हैं। इसके बाद सूची में 3 चुने और सकारात्मक संकल्पों में बदले। मान लीजिए आपकी नकारात्मक सूची इस प्रकार है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मेरा वजन कम करना चाहिए, मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, या मैं नौकरी से ये आप लोग को लिखना है। अभी पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको ये लिखवा के अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी। एग्जाम्पल सुन लीजिए कि कुछ भी इसमें आपके जीवन में आपको ध्यान रहेगा कि हाँ आपको इस तरह की बातें लिखनी है। मैं अपनी नौकरी से नफरत करती हूँ, या मुझे अव्यवस्थित होना चाहिए, मैं उतना काम नहीं करती, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। आप इन्हें कुछ ऐसे वाक्यों में बदल सकते हैं। अब इस बातों को बदलना है तो आप 3 ऐसे बात अभी आप लिखिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, नकारात्मक जो चाहते हैं, नहीं जो आपकी नकारात्मक सूची है वो लिखिए 3 बातें। क्या आपके अंदर वो नेगेटिव बात है कि मैं मोटी हूं, ये नेगेटिव बात है, या मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, या मैं अकेलापन महसूस कर रही हूं, कुछ भी 3 नेगेटिव विचार, या कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, या मैं आगे बढ़ नहीं रही हूँ, ऐसी कुछ भी बातें जो नेगेटिव आपके अंदर है वो 3 लाइन लिखिए अपने कॉपी में। हो गया फ्रेंड्स 3 लाइन लिखना। कुसुम जी समझ में नहीं आया आपको क्या लिखिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मन में वो चीज बैठेगी। इसीलिए तो फ्लायर में लिखा हुआ था कॉपी पेन लेके बैठने के लिए, मिरर लेके बैठने के लिए। 3 बातें लिखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव, कि मैं उतना काम नहीं कर सकती, या मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, या मैं मोटी हूँ, मैं नौकरी से नफरत करती हूँ, या मैं अपने परिवार से नफरत करती हूँ, कोई भी 3 बातें आप लिखिए। सभी को लिखना है फ्रेंड्स। रेखा गुप्ता जी, सीता जी, सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग लिख रहे हो या घूम रहे इधर उधर। मैं बहुत हार्ड प्रिंसिपल हूँ फ्रेंड्स, टीचर भी हूँ और प्रिंसिपल भी हूँ, कभी कभी प्रिंसिपल बन जाती हूँ, कभी कभी टीचर, और रिजल्ट का नंबर भी देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट फिर नहीं देती। यस, लिख लिया रूबी जी, बताइए आपने क्या लिखा, तब लोगों को थोड़ा सा ध्यान आएगा। अरे आप क्यों मुंह बना रहे हैं, आपको क्या सोच रहे, आप तो ऐसे मास्टर हैं, समझते हैं सब चीज। यस बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं अंदर रूबी जी के अंदर मैंने इन दिनों 1 से मैंने गौर किया, वो कभी भी कोई नेगेटिव नहीं बोलती है। एक बार उनका मुंह बना मगर वो क्या बोले, हाँ यस यस, मैंने जब बोला आप तो मास्टर है, तुरंत बोले यस, कभी वो नहीं बोलते नहीं नहीं मैं अभी कहाँ मास्टर हूँ। यही चीज हमें करनी है फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। उनका मुंह बन गया जब मैं उनको बोली बताइए तो ऐसे चौंक गए, मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मैंने लिखा नहीं, कभी भी वो नेगेटिव नहीं बोलती, यही चीज होना चाहिए फ्रेंड्स। यस बोलिए हिंदी जी। मैं इस चीज को प्रैक्टिस करती हुई चली आ रही हूँ, एक्चुअली इसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ मैं ऑलरेडी, कि नहीं ना तो करना ही नहीं है। तो हाँ ये है कि मैं थोड़ा सा फोकस की तरफ अपना चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इतनी चीजें आ जाती है ना करने वाली कि सबको बैलेंस बनाने के लिए फिर वो होता है ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो। तो अब मैं अपने आप को समय, सिर्फ 3 लिखिए, आप 3-3 5-5 पे काम कीजिए, जब आपको लगे ये 3 सुधर गया फिर आप 5 उसको लिखिए, फिर 5 जब सुधर जाए धीरे धीरे प्रैक्टिस में आए तब आप 10 लिखिए,
मगर इसको आपको रोज लिख के ही करना होगा जी, कि हाँ इस पे मेरा काम हो गया, अब हो गया। हाँ मैंने बनाया हुआ है कि मैं उसी तरह से डेली का ना एक पेज लिखना शुरू कर देती हूँ सुबह से ही, कि हाँ मैंने मॉर्निंग वॉक इतनी देर की, इतने स्टेप्स चल के आई हूँ, आज नाश्ते में ये खाया है, मतलब यू नो, ताकि मैं अपना डाइट को भी मेंटेन करने के लिए आगे देखने के लिए कि कौन सी चीज मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड पे रहता है। फिर मैं कॉन्शियस अब होती चली जा रही हूँ, देखो मेरा जो भी टूटता है वो रात को टूटता है ना, कि चल खा लो थोड़ा सा, सारा दिन तो कर लिया, तो ये सब चीजें फिर तब मेरी अवेयरनेस में आती चली जा रही है कि अच्छा यहाँ मुझे अपना फोकस ज्यादा रखना है और इधर काम करना है। तो मैं जब हम लिख के करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा अच्छा जाता है, और एक कुछ भी जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है वो हमारे हमें अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना चाहिए। नहीं नहीं अभी आपने क्या तीन बातें वैसे लिखी है वो बताइए। अभी मैंने लिखी है कि मुझे कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं, समझ में आए यस, कि मैं कम डिसिप्लिन्ड हूँ ओके, और मैं डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाती हूँ, कि मुझे अपने फोकस के ऊपर अभी और काम करना है, और मैं बहुत ज्यादा करना चाह रही हूँ, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना चाह रही हूँ, तो वही वो मल्टीटास्किंग को भी मैं अपना ब्रेक कर रही हूँ कि नहीं 10 काम इकट्ठे नहीं करने, आप बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रही है तो बस हटा दो फोन, नहीं खाना ही खाऊंगी मैं अब। यस, तो इस तरह लिखना है फ्रेंड्स। और कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा कि क्या लिखे हैं आप लोग, तीन, कोई भी तीन बात, दो बात, एक बात, कुछ भी। कुसुम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। मेरा एग्जाम डेली चलता रहता है फ्रेंड्स। यस बोलिए कुसुम जी। मैंने लिखा है मैं जल्दी नहीं उठ पाती, मैं ज्यादा बोलती हूँ और मैं हेल्दी खाने पर ध्यान नहीं दे पाती। ओके, तो अब उसको आपको पॉजिटिव क्या करना है, मुझे मैं जल्दी उठ पाती हूँ, मैं जल्दी उठ रही हूँ, मैं जल्दी उठ रही हूँ, या मैं रोज जल्दी उठ रही हूँ, मैं रोज जल्दी उठ रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो उसको क्या करना है, मैं कम बोलती हूँ, नहीं कम बोलती हूँ नहीं, ये कम फिर नेगेटिव आ गया। अच्छा, मैं जितनी जरूरत है उतनी ही बात करती हूँ, मैं जितनी जरूरत है उतनी ही बात करती हूँ, इस तरह से चेंज करना है। हाँ, नेक्स्ट, मैं हेल्दी खाने पर ध्यान नहीं दे पाती, तो ध्यान नहीं देती, मैं हेल्दी खाने पर ही ध्यान देती हूँ, मैं हेल्दी खाने पर ही, मेरा ध्यान हमेशा हेल्दी फूड पे ही जाता है, मैं हेल्दी खाना ही खाती हूँ। आपने ध्यान पे बोला है तो मैं ध्यान पे ही बोलूंगी, अगर आप बोलते कि मैं नहीं खाती तो मैं ऐसा बोलवाती, मगर आप बोलते ना ध्यान, तो मैं हेल्दी खाने पर ही मेरा फोकस रहता है, हेल्दी खाने पर ही मेरा, वर्ड को हमेशा हटाना है, हटा देना। यस यस मंजू जी, यस थैंक यू। एक दो एग्जांपल लेने से क्या होता है ना, सबको क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। यस मैम, मैंने लिखा है कि मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती और मैं आगे नहीं बढ़ सकती और मैं स्वस्थ नहीं। तो इसको आपको क्या चेंज करना है, पॉजिटिव क्या लिखना है बताइए। फर्स्ट क्या था, लिखेंगे मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ, मैं बहुत जी? काम, फर्स्ट मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं अच्छा, ज्यादा काम, काम कर सकती हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर सकती भी भविष्य में चल जाएगा, कर रही हूँ। यस, नेक्स्ट क्या है मैम, नेक्स्ट है मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। यस, उसको क्या लिखेंगे आप मैम, मुझे थोड़ा रहा है पीछे से कि मैम पहले मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ जीवन में, हेलो, मैं हमेशा आगे बढ़ रही हूँ। ओके, तीसरा क्या था, तीसरा है मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ठीक है, पहले मैंने नेगेटिव लिखाया, उसको इस तरह से आपको पॉजिटिव में, जो भी आपके मन में नेगेटिव आए उसको पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट में आगे बढ़ू, थैंक यू।
यस किरण जी अनम्यूट कीजिए। हमें मैंने ये सोचा ना कि मैं बीमार रहती हूँ, बीमार हूँ मैं, मन में यही चलता रहता है मैं बीमार हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं चल नहीं पाती हूँ, ये मेरे मन में चलता रहता है। दूसरी चीज मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठना चाहती हूँ, 4 बजे आँख भी खुल जाती है मेरी कि भाई मैम का 4:30 बजे शुरू होगा, फिर बस ऐसे सोच के वापस हो जाती हूँ, उठा नहीं जाता है मेरे से। आप ठीक 4:30 का ही अलार्म लगाइए ताकि आपको 2 मिनट, 4 का लगाएंगे तो सोचेंगे अभी टाइम है चलो आधा घंटा सो जाओ, नहीं, जितना बजे से सेशन है उसके 2 मिनट पहले का ही टाइम लगाइए। तो आप उठे फट से फ्रेश हुए और आ गए और बैठ गए, तब आलस नहीं आएगा। और इसको आपको पॉजिटिव में कैसे बदलना, आपको समझ में आया क्या कुछ, या मैं बताऊं जो आपकी ये जो यही कि मैं उठ सकती हूँ, मेरे अंदर आलस नहीं है, ये सकती हूँ तो वो भविष्य में चल जाएगा। मैं उठ रही हूँ रोज, यस अच्छा अच्छा, मैं रोज सेशन अटेंड कर रही हूँ 4:30 का अमृत वेला ध्यान, अमृत वेला रोज कर रही हूँ मैं, हाँ सुबह 4:30 का। और जो मैं सोचती रहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, हाँ, तो उसका क्या बोलेंगे, मैं बीमार हूँ, तो कल आपने बताया था ऐसे बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कल से मैं बोल भी रही हूँ जब भी मुझे ध्यान आता है। 100-150 बार तो बोली होंगी मैं, और ज्यादा बढ़ाना है 400 बार, 90,000 सोच हम रख सकते हैं तो 90,000 चीज ये सोच क्यों नहीं हो सकती हमारे अंदर, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जगह जगह टैग लगा दीजिए घर में, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, जहाँ जाएंगे वही नजर आएगा, मैं स्वस्थ हूँ, 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 ओके। सारा दिन बोलना, ऐसा नहीं कि 1 घंटा तक बैठ कर मंत्र जाप करना, वो काम नहीं करेगा, दिन भर में बोलना, हाँ मैं हर काम कर सकती हूँ, कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। मैम आपने बताया था कि सुबह पहले मिरर देखना है, शीशा देखना है, और आज तो मेरे एक वीडियो आया बोलता सुबह पहले मिरर नहीं देखो, मैं मिरर देख के अच्छी बातें सोचो, हम लोग मिरर देख के साथ क्या सोचते हो कैसे लग रहे हैं, मिरर देख के उठते ही अपने आप को मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मिरर देखो, इसीलिए मैंने सोचा मैम से पूछूंगी मैं क्या करूँ। हाँ नहीं समझ में आ गया, मिरर देखते हैं क्यों, सुबह क्यों पहले मना करते थे हम लोग, सुबह सुबह उठ के अपना ही चेहरा देखते हैं और अपने अंदर रखता है यार क्या यार कैसा हो गया चेहरा, नेगेटिव बात आती थी ना, तो अब तो हम लोग जागरूक हो गए, अवेयरनेस में आ गए कि हाँ हमें क्या सोचना अपने आप को देख के। आप अपने आप को देख के सुबह सबसे पहला थॉट रखेंगे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, अपना चेहरा देखकर अपनी आंखों में बोलेंगे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हर काम कर रही हूँ, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, और वैसा विजुअलाइज करेंगे कि मैं ये काम कर ली, वो काम कर ली, मैं ये भी कर ली, मैं वो भी कर ली, वैसा धीरे धीरे सोचेंगे भी देखेंगे भी अपने आप को, ओके। और दूसरा मैं अमृत वेला उठ रही हूँ, हाँ मैं ध्यान में हूं, रोज उठ रही हूँ और मैं ध्यान कर रही हूँ, और अलार्म लगा के बैठिए 4:25 का, ठीक है, सोइए अलार्म लगा के, अलार्म बजते ही उठ जाना है, हाँ मुझे उठना है, आप अपना नंबर मेरे को आज मैसेज कर दीजिएगा, रोज 4:30 बजे मैं आपको कॉल करके उठाऊंगी, चलिए आइए ध्यान में, यस मैं बोली ना बहुत हार्ड टीचर हूँ, मैं हंसती हूँ मगर जब मैं टीचर बनती बहुत हार्ड मेरा चेहरा बन जाता, देखिए तो जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, जो हार्ड होता है वही तो उसको मजबूत करता है अपने शिष्य को, यस हार्ड नहीं हो तो बच्चे लोग कहना नहीं मानेंगे, यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ पूनम जी आत्मबंधन, मैं नेगेटिव थॉट्स में जो भी कुछ लिखा, पहला मैं कोई भी काम में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाता, किसी को पुश करने के लिए मैं वेट करती हूँ, कोई आके मुझे पुश करेगा उसके बाद मैं काम कर सकती हूँ। दूसरी बात, जो भी कोई काम मैं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं हो, इससे और अच्छा हो भी सकता था मगर मैं कर नहीं पाई, अपने आप से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं। और थर्ड है मेरा घुटनों पे जो दर्द है इसी के कारण मैं चल फिरने से मुझे कोई तकलीफ होता है, आजकल कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने लगा है, तो इसी के कारण हर काम में मैं थोड़ा पीछे हट रही हूँ। हाँ तो इतने लोगों का आपने अभी सुना, आपको क्या समझ में आया, कैसे चेंज करना आपके विचारों को? हाँ पॉजिटिव जो थॉट्स मैंने लिखा है
मैं हर काम में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। दूसरी बात, मैं हर काम में आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, बढ़ रही। दूसरी बात, आई एम द बेस्ट। यस, जो आत्म संतुष्टि के बात मैंने बोली ना, तो उसी के लिए मैंने ये लिखा, आई एम द बेस्ट। मैं जो भी काम करती हूँ वही सबसे अच्छा। और तीसरा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरा काम सब अच्छा होता है। मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल अच्छा काम करती हूँ। और नेक्स्ट तीसरा क्या था, मैं स्वस्थ नहीं, वो था ना, हाँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा शरीर। आप तो सुबह रोज अफर्मेशन करते हैं मेरे संग, साढ़े चार का अमृत वेला, तो उसमें अफर्मेशन इतने दिन से आप कब से कर रहे हैं सुबह का, हमारे साथ कितने दिन हो गए? काफी दिन हुआ, मगर बीच बीच में फिर भी अभी तक आपके मन में ये है नेगेटिव बातें? हाँ, है। अफर्मेशन यानी मन से नहीं कर रहे आप? मैं सुबह रोज ये कराती हूँ ना, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, कराती हूँ ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे घुटने का दर्द अभी तक है। यही तो, मेरे घुटने का दर्द अभी तक है, वो रहेगा ही अभी तक है। मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, ऐसा बोलना होगा, ऐसा बोलना, ऐसा सोचना होगा सारा दिन। जब भी घुटने चलने में आपको दर्द महसूस हो तो अरे मेरा घुटना खराब नहीं, मेरा घुटना बिल्कुल परफेक्ट है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम चलते हैं ना, चलते हैं पैरों से, आगे बढ़ रही हूँ। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो सबको समझ में आ गया ना? सीता जी, एक लास्ट इनका भी ले लूं, चलो बोलिए सीता जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा भी मैम यही है मैम, वैसे तो मुझे मैम आपने आंसर दे दिया। ओके, तब ठीक। हाँ मैम, ये है मैम, मतलब फिजिकली चैलेंज को लेकर ही है मैम, कि मैं बहुत बीमार हूँ। सेकंड मैम, मैं कोई घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। और थर्ड मैम, मैं साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप बोलेंगे मैं साड़ी, अपने आप को देखे मिरर के सामने कि मैं साड़ी पहनी हुई, जैसे पहले आप पहनते होंगे कभी ना कभी तो पहने होंगे, ऐसा रूप अपने आप का देखिए कि अरे वाह, मैं साड़ी पहन के आंख बंद करके देखिए, क्योंकि मिरर के सामने तो आपको वही दिखेगा कि हाँ आप साड़ी नहीं पहने बेटे, आंख बंद करके देखिए वो स्वरूप अपना कि वाह मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अभी अभी मैंने ये साड़ी पहना है, वाह कितना अच्छे तरीके से मैं पहनी हूँ, ऐसे वाह वाह, मतलब एकदम आपको वो चीज फील होना चाहिए कि हाँ सिर्फ हाँ मैं साड़ी पहनी हूँ ऐसा नहीं, वो भाव आना चाहिए अंदर से कि हाँ मैं साड़ी पहनी हूँ और मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, वैसा भाव, मैं चल फिर सकती हूँ आराम से, मजे से दौड़ रही हूँ, मैं जंप कर रही हूँ एकदम, दो दो सीढ़ी, तीन तीन सीढ़ी, ऐसा अपने आप को देखते रहना है। ओके, और मैम वो सोचती हूँ मैम, मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करती हूँ। 3,000 बार सारा दिन में? नहीं मैम, इतना तो नहीं कर पाती मैम, जैसे साड़ी का विजुलाइज कर लेती हूँ, लेकिन मैम जैसे मैम वो पिनअप लगाना होता है वहाँ पर, तो मैम वो हाथों की एकदम, आप अपने आप को आंख बंद करके सोचिए ऐसे मैं हाथ क्यों पिन लगा रही हूँ, इजीली विजुलाइज कीजिए, मतलब देखिए अपने आप को वैसे होता हुआ कि मैं ये ऐसे कर रही हूँ। और सारा दिन में कम से कम 500 बार 1,000 बार आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा और ध्यान भी करना होगा, अपने अंदर विश्व ऊर्जा को भी बहुत ज्यादा लाना होगा, तब आपका शरीर और ज्यादा एक्टिव होगा। ओके जी मैम, आप ध्यान भी कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन भी उतना ही जरूरी है, ध्यान भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ एक से काम नहीं होगा, दोनों चाहिए। ओके ठीक है आप मेरा सुबह पहला ध्यान करते हैं, सुबह उठते हैं? हाँ जी मैम करती हूँ, हाँ जी मैम, वो मैम 6 o'clock तक ही कर पाती हूँ मैम। हाँ कोई बात नहीं, जितना करे उतना ठीक है जी, 6 o'clock यानी 1.5 घंटा आप कर लेते हैं, बहुत है, कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा, आप करते रहिए 40 दिन कीजिए, फिर आप मेरे से बात कीजिएगा। ओके जी जी जी, यस थैंक यू। यस फ्रेंड्स, ये सेशन थोड़ा सा लंबा था क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से करेंगे।
तो अपने जागरूकता को अभ्यास में हम लोगों ने परिवर्तित किया है, ये बहुत जरूरी है। नए परिवर्तन हमने चेंज किया, ये भी बहुत जरूरत है कि नया क्या विचार हमारे आना चाहिए। जैसे नेगेटिव जो जो बताए उसको कैसे पॉजिटिव में बदलना, आप लोगों ने जो भी लिखा है नेगेटिव बातें उसको कैसे पॉजिटिव में बदलना है, ये मैं 5-6 एग्जांपल अभी सबका लेकर बताती हूँ। आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब क्या करना है, उत्तम चीजों के योग्य होना, ये है नेक्स्ट। क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य है कि आपकी इच्छा पूरी हो सके? यदि नहीं तो आप अपनी इच्छा को पूरी होने नहीं देंगे, आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो आपको परेशान करेगी। यानी आपको यह विश्वास करना होगा कि आप इस योग्य, जैसे अभी सीता जी ने बोला कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती, तो आपको ये विश्वास दिलाना होगा अपने ऊपर, इच्छा पैदा करनी होगी कि हाँ मैं साड़ी पहनूंगी ही, मुझे पहनना ही है, ये इच्छा पैदा करनी होगी और अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हाँ मैं साड़ी पहन रही हूँ, विश्वास दिलाना होगा कि हाँ ये मैं कर रही हूँ और होगा ही और कर सक रही हूँ। ओके, तो आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, आपके अंदर ये चीज नहीं है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो आपको परेशान करेगी, समझ गए? जैसे आप साड़ी पहनना चाह रहे हैं नहीं पहन सक रहे हैं तो ये आपको परेशान करेगी, मगर उस पर क्या करना है, अडिग रहना है, मतलब सोचना ही है, उसको छोड़ना नहीं है विश्वास को। इसमें एक फिर से अभ्यास है, जो आप योग्य नहीं है जिस काम के लिए उसका भी एक अभ्यास है, अभी इसको पहले आप समझ लीजिए। फिर से अपने दर्पण में देखिए और कहे मैं पाने या बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करती हूँ, इसे 2 या 3 बार कहें। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये भी देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। अब ये दर्पण लीजिए, सीता जी जिन्होंने अभी बोला है साड़ी का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें अभी मिल भी गया है, और जो चीज पाने के योग्य है, आप जिसे आप स्वीकार करना चाहते हैं उसे आप विजुअलाइज करता हुआ देखिए कि हाँ मैं इसके योग्य हूँ, मैं प्यार के काबिल हूँ और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। जैसे सीता जी का ये एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि मैं साड़ी पहनने के योग्य हूँ और मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ, ऐसा मिरर में देख देख के अपने आप को बोलना है। मैं दौड़ने के योग्य हूँ और मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ कि मैं दौड़ रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बॉडी जैसे किसने बोला था अभी बॉडी के लिए, यस नाम याद नहीं है उनका, फोटो हट जाता है ना तो ध्यान ही नहीं रहता, जैसे वो बोले मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ होने के लायक हूँ, मैं योग्य हूँ कि मैं स्वस्थ हो सकती हूँ, ऐसा मिरर में देख के 3-4 बार बोलेंगे। अब आप देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज के बारे में। फ्रेंड्स, एक साथ दो काम कभी नहीं होता। अगर आप सेशन कर रहे हो तो सेशन पे ही ध्यान दो, अगर आप घर का काम कर रहे हो तो सेशन से हटके निकल जाओ। जिन्हें मैं बोल रही हूँ उन्हें समझ में आ गया होगा, या तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लो, मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखती है ऐसे। अगर आपको मिरर वर्क नहीं करना है, आपको मेरे सेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने घर का काम कीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ 5-5 मिनट का ये अभ्यास है। यस फ्रेंड्स, अब कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने आप को मिरर में देख के बोले कि हाँ मैं इस योग्य हूँ, मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है? अच्छा लग रहा है तो थम दिखाइए, और नहीं हुआ तो इसको यस थैंक यू, कॉन्फिडेंट लग रहा है ना, यस। यही विश्वास अपने अंदर पैदा करना है, अपने आप को इस योग्य समझना है कि हाँ ये मैं कैसा कर सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यस थैंक यू। अब है आगे बढ़ेंगे।
यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं, जो नेगेटिव सोच है आपके अंदर, तो फिर से दृढ़ निश्चय लें कि मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ता हूँ, यानी उस नेगेटिव बात को जो अभी जो कराई हूँ उसमें फिर भी वो नेगेटिव बात ही आ रही है, तो आपको और उस पर दृढ़ संकल्प करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि हाँ इस नेगेटिव विचार को मुझे निकालना है और जो मुझे अच्छी चीज पाने से रोक रहे हैं उसे निकालना है और मैं इसके योग्य हूं, ये सोचना है। इसे बार बार दोहराएंगे जब तक कि आपके अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न ना हो जाए, चाहे आपको लगातार कई दिनों तक करना पड़े। अभी तो मैं 5 मिनट का कराई हूँ 3 बार बोलकर, इसे आप 1-1 घंटा जब तक आपके अंदर से लगे कि हाँ मैं योग्य हो गई अब साड़ी पहनने लायक, मैं योग्य हो गई अब दौड़ने लायक, मेरा घुटना एकदम दौड़ रहा है, एकदम स्वस्थ है, जब तक आपको ये फील अंदर से नहीं आए आपको बार बार इसे दोहराना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका होमवर्क है, डेली करना है इसको। अब है संपूर्णवादी दर्शन। नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहते हैं। संपूर्णवादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करता है। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं। यानी तीनों को, दृष्टिकोण को संपूर्णवादी, अपना संपूर्ण मतलब पूरा एफर्ट देना है, दृष्टिकोण भी बदलना होगा, अपना अस्तित्व जो है उसे अगर आपको सुधारना होगा, संपूर्ण अस्तित्व चाहिए, शरीर, मन और आत्मा तीनों को विकसित करना होगा। यह मायने नहीं रखता कि हम कहां से शुरुआत करते हैं, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब कहां से शुरुआत करना ये नहीं, दूसरे क्षेत्र मतलब क्या, अभी ये चीज कर रहे हैं ठीक है, साड़ी वाला किए, अब इसके संग आप दूसरा भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लगे हाँ ये भी हो रहा है मेरा, इसके संग दूसरा भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एक चीज तो हमारे अंदर कमी नहीं है ना, बहुत हमें लगता है ये कमी है मेरे अंदर, ये कमी है, ये कमी है, तो सब पे काम करना है आपको। यस, अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहेंगे, खाद्य व पेय पदार्थ के बारे में चयन और हमारी भावनाओं पर उन्हें के प्रभाव के बीच में संबंध को समझना चाहेंगे। जैसे अगर अभी जिन्होंने बोला था कि घुटना में दर्द है तो खाने से भी शुरुआत करना होगा कि आपको अपने घुटना को अच्छा करने के लिए अच्छा अच्छा डाइट रखना होगा। यस, ये मैं समझा दूं पूनम जी फिर हैंड रेज लूंगी। जैसे किरण जी ने बोला कि मैं चल नहीं सक रही हूँ, तो उसके लिए आपको जो घुटने के लिए जरूरत है अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी का तो मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इससे सिर्फ साइड इफेक्ट ही होता है, एक्सरसाइज है वो कीजिए, फिजियोथेरेपी कराइए, वो सब भी जरूरी है। विचार भी काम करेगा, विचार के साथ साथ आपको अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज के लिए भी टाइम देना होगा, अपना एक अच्छा डाइट भी रखना होगा कि आपको क्या क्या खाना है जिससे आपके घुटने में ताकत आए। यस, हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं, इसके लिए जड़ी बूटी और विटामिन, होम्योपैथिक और बेक फ्लावर रेमेडी है। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं, मतलब सब कुछ सर्च करके हम सोच सकते हैं हमें क्या डाइट लेना है, होम्योपैथी क्या करना है, वो सब भी हमें शरीर के लिए, ये है जिसका शरीर बहुत ज्यादा है, मन के लिए नहीं है ये कि मन में ऐसी भावनाएं हो रहा है। एक्सरसाइज नहीं है ये स्वाति जी, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये मैं अभी समझा रही हूँ कि आपको संपूर्णवादी दर्शन, सब तरह से संपूर्ण होना है, उसके लिए डाइट भी अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, वॉक भी होना चाहिए, थॉट भी होना चाहिए, उसे अपने आप देखते हुए विजुअलाइज भी होना चाहिए, सब तरफ से संपूर्णवादी होना है। इस प्रकार की कसरत के बारे में आप पता करना चाहेंगे जो हमारे अनुकूल हो, यही जो मैंने बताया जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता हो, ये सब आप कर सकते हैं। मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं।
मैंने बता ही दिया ये सब कुछ। यस अब फ्रेंड्स वो कहती है मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ तो दूसरे को आजमाएं, ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, यह आपको अपने लिए कुछ खोजना है। किसी एक का विधि या एक व्यक्ति या एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। मतलब क्या, जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे अब आपका स्वास्थ्य खराब है, मैं सिर्फ बोलूंगी इतना, जैसे एज हो गया ना, एक एज का भी फैक्टर होता है ना फ्रेंड्स, कि आपके घुटने में दर्द है, आप विजुअलाइज भी कीजिए उसे, एक्सरसाइज भी कीजिए, अच्छा खाना भी खाइए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो। तो सब तरह से लेखिका कहती है कि सब तरह से हमें सब कुछ करना है, विजुअलाइज भी करना है, सब कुछ भी करना है। तो अब हम ये सेशन का खत्म हो गया चैप्टर, अब हम पूनम जी बोलिए, फिर मैं आज मेडिटेशन कराऊंगी 15-20 मिनट का। दीदी मैं ये पूछ रही थी, आप सवेरे भी मेडिटेशन कराते हो क्या? हाँ, आप इस ग्रुप में हो क्या, उसमें लिंक? नहीं 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 दीदी, आप मुझे लिंक भेजिए ना। तो आप कौन से लिंक से, कहाँ से मिलता है आपको ये लिंक? मैं ध्यान सागर में जुड़ी हुई थी, तो उसके बाद वो लोगों ने ये डाला था ग्रुप का, ये राजस्थान डीएम से। अच्छा उसमें, हाँ उसमें नहीं आता है, ओके यस ठीक है। मैं अभी लिंक दे दूंगा, कौन सा ग्रुप है आप मुझे ऐड करिए ना मेरा नंबर। ठीक है मैं अभी चैट बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, जो लोग भी सुबह 4:30 से 6:30 का अमृत बेला ध्यान करना चाहेंगे वो लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। रूबी जी मैं डाल सकती हूँ ना? बिल्कुल डाल सकते हैं पूनम जी, क्या थैंक यू। बहुत जनों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। जी जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसकी कॉलिंग जहाँ जाने की है वहाँ उन्होंने पहुँचना ही है। हाँ और नहीं, यही तो थॉट होता है कि हम लोग किसी को कहीं जाने से नहीं रोके तो हम लोग भी कहीं जाने से नहीं रुक सकते। बिल्कुल, अगर हम लोग अच्छा करेंगे कि चलो अमृत बेला ध्यान सभी कर रहे हैं तो अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल, जो कर सके जिसके लिए है, हाँ, उनको अगर यहीं से मिलना है तो उनको मिलना, हाँ, ही है ना। और तो, अपने ग्रुप के बहुत जन भी ज्वाइन किया, मंजू जी रोज करते हैं, मंजू यादव जी, एक और मंजू जी है वो भी करते हैं, निधि जी का जी, तो एक ही दिन नींद खुला था, बाकी दिन वो सो रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मेरा सारा सेशन आता है, सुबह का, रात का, दिन का मेरा कोई भी सेशन नहीं रहता है, रूबी जी का दिन का रहता है या उनका दोपहर का रहता है, तो उस समय मेरा कोई भी नहीं रहता, तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि आप लोग उनका सेशन छोड़ के मेरे सेशन में आ गए या मेरा सेशन छोड़ के उनके उसमें चले गए, सबका टाइमिंग अलग है। जहाँ मर्जी जाएं, जिस टाइम मर्जी जाएं, प्लीज ये भी थॉट नहीं रखना है हमने ना। ये मेरे अंदर नहीं है, मैं तो देखिए ये होना भी नहीं चाहिए, मगर छोड़ दीजिए, बहुतों के है। अरे मेरे ग्रुप में इसका लिंक क्यों डाली तू, ये तो मेरा पर्सनल ग्रुप था, ऐसा भी होता है। यस फ्रेंड्स ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यस थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। यस फ्रेंड्स हमें ऐसा ही बनना है, रूबी जी से बहुत कुछ सीखने लायक बातें हैं हमारे पास। नहीं रियली मैं मस्का नहीं मार रही हूँ, मैं कभी किसी नहीं, को मस्का, मैं जानती हूँ, पति को भी मस्का नहीं मारी, मैं सिर्फ अपने आप को मस्का मारती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी। जो फैक्ट है मैं सीधे मुंह पे बोलती हूँ। यस पूनम जी आपका और भी कोई सवाल है? नहीं है पूनम जी, आप म्यूट है, बोलिए। अरे कहाँ खो गए ये, सो गए, सो गए, चलो कोई बात नहीं, उन्हें सपनों में खोने दो अभी। हम लोग अब करेंगे, आंखें बंद करें फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, किसी को पानी पीना है तो, क्योंकि मुझे तो पीना है। मेरे सेशन में आने के बाद लोग पानी पीना बहुत सीखे, सब बोलते हैं, बोला आप हर वक्त जब ध्यान कराते हैं उठाते हैं पानी पियो पानी पियो, सुबह भी मैं यही बोलती हूँ पानी पियो, तो हमें याद आ जाता है पानी पीना। यस आंखें बंद कर दें फ्रेंड्स। रीजन मैं बता दूं पानी क्यों पीना होता है? हाँ जरूर बताइए ना, तब तक लोग तैयार भी हो रहे हैं, नहीं तो पीना ही चाहिए। जी जी एक्चुअली हमारी बॉडी में 70% पानी ही है,
तो जब हम ध्यान में जो ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो वो बैलेंस में नहीं है, राइट? राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में अलग अलग से जा रही होती है। तो जब पानी जाता है, पानी उन सभी सेल्स को एकदम बराबर में कर देता है, तो आपकी सारी एनर्जी पूरी बॉडी में बैलेंस में आ जाती है। और हमारा जो बहुत एनर्जी फ्लो होता है, जी और घबराता है, करता है, तो क्या होता है, पानी पीने से ना वो भी प्रॉब्लम हमारे संग नहीं होती है। तो एनर्जी बैलेंस हो गया तो फिर अपने आप ही सब होने लग जाता है। यस फ्रेंड्स, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सविता गुप्ता जी, पानी वानी का बॉटल पास में लेके बैठा कीजिए ताकि टाइम नहीं वेस्ट हो। आंखों को कोमलता से बंद करें, दोनों हाथों को क्रॉस करें, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए रिलैक्स होकर। यस फ्रेंड्स, अब मैं जो बोलूंगी वो सब आप लोग मन मन में बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, मन मन में। मेरा जीवन सदा नवीन है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करती हूँ। यह एक नया दिन है, मैं एक नया व्यक्ति हूँ। नवीनता का निर्माण, आज हम लोग नए बन गए ना, तो आज से हमारा नया दिन शुरू हो गया। मैं एक नया व्यक्ति हूँ, क्यों? क्योंकि सब कुछ पुराने को हम छोड़ रहे हैं, नया नवीनता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अलग बोलता हूँ, मैं अलग करता हूँ। अलग मतलब क्या? जो पहले था वो सब हम सोच रहे हैं छोड़ रहे हैं, सोचना बोलना छोड़ रहे हैं, करना छोड़ रहे हैं। तो अलग, अब हमारी दुनिया में सब कुछ अलग अलग सोच विचार आ गए हैं। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूं कि ये बीज मेरे नए अनुभव बनेंगे। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी वाइब्रेशन में फ्रेंड्स 15 मिनट हम ध्यान करेंगे। अब अपना ध्यान पूरा अपनी श्वासों पे ले आएंगे, अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। मैं एक म्यूजिक लगा रही हूँ, इसके संग हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों के साथ लगाए रखें। सोच विचार आए तो उसे सिर्फ देखना है, उसके संग बहना नहीं है।
अपने श्वासों के साथ बने रहें फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स।
Thank you.
Last 1 minute, friends. धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में आएंगे आप सभी. बिल्कुल धीरे धीरे आराम से. धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे. जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस कीजिए. लास्ट 10 सेकेंड. अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धन्यवाद करेंगे पिता मह पत्री जी को, धन्यवाद लुई हे को, और मैं धन्यवाद करूंगी मेरी रागनी माँ को जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना आगे बढ़ाया है. तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को धन्यवाद. और आप सभी को भी धन्यवाद फ्रेंड्स. थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं आप लोग अभी. यस फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का सेशन? ऑल अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, बस एक मिनट. कैसा लगा आज का स्वाध्याय सेशन? आज का जो नवीनता का ज्ञान है वो कैसा लगा? यस, एक मिनट में ना वो कर देती हूँ. थैंक यू, लव यू. कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बोलके। मैम बहुत अच्छा लगता है इसलिए तो जोड़ रहे हैं जी मैम, बहुत हल्का भी अंदर से मैम, बहुत अच्छा हल्का भी मैं। हाँ आपने परिवर्तन लाना जरूरी है, सिर्फ सेशन अच्छा लगने से नहीं होगा, परिवर्तन भी ला रहे हो ना अपने आप में। पूनम जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकते हैं हम लोग? रात को एक्चुअली क्या होता है, रात को मुझे देर देर तक नींद नहीं आती है और सुबह उठना चाहते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं। जैसे कल ही था 1:30 बजे तक नींद नहीं आई तो फिर हम ध्यान में बैठे ना, आपके मन में बहुत विचार उथल पुथल होते हैं इसीलिए रात में नींद नहीं आती। आप रात में सोने से पहले जिस जगह आप सो रहे हैं बिस्तर पे बैठ जाए और ध्यान की अवस्था में बैठ रहे आपको जब तक नींद नहीं आए, आप देखिए कुछ देर में आपको नींद आ जाएगी। जब आप श्वासों पे ध्यान देंगे ना, आप उसी वाइब्रेशन में सो जाइए आंख मत खोलिए और बहुत अच्छी नींद आएगी। आप 3 घंटा भी वैसे ध्यान करते हुए सोएंगे ना तो सुबह आप एकदम आराम से फ्रेश होकर उठेंगे। बात सुनिए ना, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, ये समस्या है थोड़ी। तो कल जब ये सो गए थे ना 1:30 बजे, तब हम उठ के हमने कहा आप ध्यान करने बैठे, इनको नींद आ गई है। तो 1:30 से लेके 2:45 बजे तक हमने ध्यान किया और फिर उसके बाद फिर हमको नींद आ गई। सुबह नींद खुला तो और फिर सुबह नहीं हुई उठ पाए ना, सुबह जब भी नींद आपका खुला सुबह 7:30 बजे फिर उठे मॉर्निंग वाला ध्यान। धीरे धीरे देखिए, बॉडी इतने दिन से अचानक से एक दिन में नहीं होगा ना, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। मगर रात में हर किसी को ना ध्यान करके ही सोना चाहिए और रात भर हमारे ध्यान की एनर्जी रहती है हमारे अंदर। सुबह उठते के साथ फिर 5 मिनट वैसे ही ध्यान में बैठ जाओ फिर उठो। और अगर नींद का आपका ऐसा कुछ है तो आप एक बार डॉक्टर को भी दिखाइए। हुई है आज बोलिए ना, सब किसके क्या प्रॉब्लम है वो एक जन नहीं बता सकता, तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। कुछ मैम मुझे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग तो कहते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम और एक गोली तो मुझे खानी पड़ती है, खा के भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। बाकी नींद की गोली उन्होंने नहीं, नींद की नहीं खाई है मैंने, डिप्रेशन के लिए एक गोली खाती हूँ और नींद की उन्होंने कही है पर हम खाते नहीं है, क्योंकि हम ध्यान करते थे तो हमको नींद आ जाती थी, बस वो टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ होता है। आप ध्यान की एनर्जी बढ़ाइए, ध्यान ज्यादा कीजिए, आप एनर्जी की कमी है सब कुछ डिप्रेशन। मैं भी डिप्रेशन में थी आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन। ये मिरर वर्क भी कितना करते हैं पूनम जी, इनका मिरर वर्क भी बढ़ना चाहिए। ये मिरर वर्क नहीं कर रहे ठीक से, अपने आप को देखते ही नहीं है, इनकी आंखें देखो कहाँ जा रही है। आप मिरर वर्क ज्यादा कीजिए, इनकी कमी के कारण आंखों में डार्क सर्कल हो गया है। डार्क सर्कल होना एक बात है मैम, पूनम जी ये फोकस मतलब सामने देखिए स्क्रीन में देख के बात नहीं कर रही है, इनकी आंखें कहीं और जा रही हैं बात कर रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये मिरर वर्क बिल्कुल अपनी ही आंखों में नहीं देख रही ना, तो वो जरूरी है। मिरर वर्क तो रोज करना है हमें, डेली करना है। और आपको परमिशन की जरूरत है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप डिप्रेशन निकाल दीजिए मन से, आपके मन में बैठा हुआ हर घंटे कीजिए, आप हर घंटे कीजिए मिरर वर्क। मोबाइल में देखो कुर्सी को करना जो सिखाती है। हाँ, दिमाग में याद आया बात की घर में जगह जगह चिट नहीं लगा सकते, सब कोई सोचे होंगे क्या सोचेगा लोग, मोबाइल के बैक में हर समय मोबाइल रहता है बैक में, इस टाइप का पेपर में लिख लीजिए। और जब आप मोबाइल तो हम लोग हर 1 घंटा में छूते ही छूते हैं, पीछे तुरंत उस अफर्मेशन को पढ़ लीजिए, सबसे इजी तरीका है, उसको चिपका लीजिए बैक में। ओके, आप मिरर वर्क ज्यादा कीजिए, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, मिरर वर्क अभी से स्टार्ट कर दीजिए दिन में 4 बार। आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा कहना सीखा है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, आपसे सुन के ऐसे तो कभी किया ही नहीं था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि हम रेगुलर ले नहीं पाते ना, आज भी आते आते मुझे 1:30 बज गया था। ओके, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से वापस से देख लीजिएगा। ओके ठीक, यस थैंक यू विमला जी, बोलिए। एक बात मैं बोलूं, मेरी मम्मी का भी ज्ञान सुन लो भाई सबको, हाँ सुना दीजिए।
मैं बोल रही हूँ, आप ही को बोल रही हूँ, मैं सुस्त नहीं होती हूँ कभी। अभी भी मैं जब वहाँ पिरामिड में गई तो पत्नी जी के सामने मैं बोली हूँ कि मैं 75 साल की हूँ, लेकिन अपने मन में मैं सोचती हूँ 40 साल की हूँ। मैं विश्वास यूट्यूब में है तो मम्मी का ये वाला बोलावा यूट्यूब में 15 तारीख का आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा 15 तारीख सुबह 10 से 12 वाला। मैं मम्मी खुद पत्री जी के सामने माइक में बोली है, सर माइक पकड़ा दिए थे मम्मी को, पहली बार मम्मी माइक में बोली है। तो मम्मी बोली ये बात कि मैं 75 की हूँ मगर सर मैं अपने आप को 40 की समझती हूँ। बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं पूनम जी इतना ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि देसी कर सकती हूँ उससे ज्यादा कमजोर नहीं। ये हम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए मैसेज है ये, आंटी जी का मैसेज है हम लोगों के लिए ये। आदमी हर उम्र में काम कर सकता है, हर उम्र में परफेक्ट रख सकता है। इसीलिए मम्मी को मैं साल में 6 महीना सोचती मेरे घर रह जाए तो मेरे को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। मम्मी करती रहेगी, बोलेगी मैं तुमसे ज्यादा करती हूँ, लो मैं कर देती हूँ, लो मैं तुमसे ज्यादा करती हूँ, मैं कर देती हूँ। मैम मेरी मम्मी भी ऐसी है, वो भी हमसे ज्यादा कर लेती है। बच्चे कहते कहते मम्मी आपसे तो ज्यादा नानी फिट है, और हम लोग जाते मेरे बच्चे पहुंच जाए तो मम्मी मेरी दौड़ दौड़ के मम्मी आप लोग पहुंच जाते, नानी में कितनी एनर्जी आ जाती है, नानी इधर भी दौड़ रही है उधर भी दौड़ रही है, फट से इधर कर लेती है फट से उधर कर रही है। रियल रियल ऐसा होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए कभी। मन की ही तो बात है सारी। विमला जी बोलिए, हो गया आपका कपड़ा समेटना? विमला जी कपड़े भांज करना हो गया? ये प्रैक्टिकल सेशन है, आपको ही कमेंट्स की थी ये बात। मिरर वर्क करा रही हो आप बैठ के? समझ गए मैडम, मैं समझ गई थी, मैंने इसीलिए वीडियो ऑफ कर दिया था। मैंने कहा मतलब समझाना पड़ा तब समझे, आपको ऐसे नहीं समझ में आया कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे? नहीं नहीं, पहले वाला तो मैंने सेशन से पहले बोलती हूँ, सुबह से जो काम भाग दौड़ है सबको छोड़ के बैठो, रिलैक्स हो जाओ, फिर भी आप वही भागदौड़ में लगे हो, कपड़ा समेटना ये करना वो करना। मैं थोड़ा सा संगीता जी से कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? जी बोलिए बोलिए, आपके अंदर क्या ज्ञान है जरा मैं भी सुन, बोलिए। ज्यादा तो नहीं है मैडम, पर ज्यादा होता तो कपड़ा समेटते क्या सेशन के वक्त? गुस्सा आ रहा है मुझे। आप ये सेकंड टाइम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रही थी ना तो इसलिए मैं सिल भी रही थी। नहीं कुछ सिलाई विलाई नहीं करना है, 1.5 घंटा सिर्फ सेशन करना है। आप सेकंड टाइम कर रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ। वो सुनने का नहीं रखा विमला जी, वो प्रैक्टिकल में करा रही थी। हाँ जो प्रैक्टिकल करना है, एक साथ दो काम कभी नहीं होता इस सेशन में, एक साथ दो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरा ध्यान से सुनना है। ये मैं इनको ये कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए आप, दिन रात को नहीं हो सकता, दिन में करिए, 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है ना, उस समय बिल्कुल ध्यान अंधेरे कमरे में ध्यान लगाइए, और आपकी सोच विचार जो है ना उनको सांसों पे लीजिए, और इतना अच्छा। हाँ पता है सबको, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सब टाइम हो रहा है। तो रूबी जी थैंक यू सो मच, इतना वंडरफुल ये हमारा ग्रुप है, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीति जी डोंट वरी, सर पे हाथ रख के कभी मत बैठिए, हमेशा हंसमुख रहिए, सोच विचार नहीं है, सोचना ये है कि कल आज मैंने क्या होमवर्क दिया है, कौन बताएगा? अच्छा हमारे संग संजय ठाकुर जी आ गए हैं, यस अभी अभी आए हैं शायद, यस संजय जी वेलकम है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। फ्रेंड्स सभी अपने आप को म्यूट कर ले, संजय जी के बारे में, संजय जी अनम्यूट कीजिए। Yes. नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। मैं आपका पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुना। ये संजय जी, संजय ठाकुर जी है, बहुत अच्छा इनका नॉलेज है, ये भी हमारे संग एक दिन यहाँ पे सेशन देंगे। ये किस बारे में देंगे ये कुछ ज्यादा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि इनका मैं सेशन देख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे, आज ये हमारे साथ है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लुई हे का ही
आज हमने सेशन सुना था कि खाने पीने का, दवाई का, इस पे भी हमें साथ में परहेज करना है। तो देखिए आज संजय जी हमें आ गए बताने कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि लुईहे ने कहा सिर्फ विचार से काम नहीं होगा, किसके क्या प्रॉब्लम है, कौन सा क्लिक कहाँ करेगा, विचारों के साथ साथ हमें अपने डाइट पे भी ध्यान देना है। तो थैंक यू सो मच। यस, ओवर टू यू संजय जी। थैंक यू मैम। आज का सेशन मैंने आपका पूरा सुना, बहुत तन्मयता से सुना और नोट भी कर रहा था मिरर में, कभी और दूसरे का ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मिरर सामने में रख के मैंने बहुत अच्छे से इसको सुना। लेकिन चूंकि पहला दिन था आज का मैं सुन रहा था, और यूट्यूब पे तो मैंने सुन चुका था आपका, आपने जो आज अफर्मेशन का चैप्टर 8 का जो डाला, तो वो पढ़ने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा कुछ कर रही है। एंड यू कैन हील बुक मैं पढ़ चुका हूँ पहले, और इसका प्रैक्टिकल में जो होता है अफर्मेशन, वो मैं करके इसका प्रैक्टिकल अनुभव ले चुका हूँ। ओके, मेरा परिचय पहले दे दूं, मेरा नाम संजय ठाकुर, एक्स एयरफोर्स डाइटिशियन हूँ, मेरा हॉस्पिटल है ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से दरभंगा बिहार में, और पिछले 15 साल से मैं यही लोगों को लेक्चर करता हूँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दो बेटा है, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में, इसलिए जब 10 सेकंड में किसी को देते हैं परिचय तो बताते हैं कि आई एम संजय ठाकुर, एक्स एयरफोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, फेलो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मॉर्निंग साइंस, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियन ऑफ टाइकोंडो, हस्बैंड ऑफ ए सुपर वूमन। ओके, तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। आपके पीएमसी मुंबई और कोलकाता वगैरह बहुत जगह हमने लेक्चर किया है, और यही काम एक ही सब्जेक्ट है, एक ही पे हमेशा बात करते हैं, सिंगापुर मलेशिया हांगकांग जहां भी गया सिर्फ एक ही चीज लेके, ये खाओ ये मत खाओ। तो कौन सी बीमारी में क्या खाना है, किस आदमी को कैसे रहना है, आहार विहार और विचार, जो तीन बात कहते हैं, विचार के ऊपर में तो इतना इन्होंने पूनम जी ने कमाल कर दिया है, और हर एक बात को, हर एक आदमी के क्वेश्चन को लेके, भले ही लोग सुनता कुछ और है करता कुछ और है, लेकिन उसमें क्या एग्जेक्ट करना चाहिए वो इन्होंने लिखवा दिया, बता दिया। यही बोलो 300 बार 400 बार बोलो, तभी जाके जब अंदर से जैसे हार्ट बीट होता है ना, ऐसे पंप करते रहता है, यहाँ से बोलते रहता है कि मैं यही हूँ, कहाँ मंदिर में ढूंढते हो। ओके, वैसे ही जब वो बात निकलने लगती है अपने मन से कि नहीं मेरा ये सब कुछ हो रहा है, तभी जाके होता है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो टैगलाइन है लिखा है, ध्यान ज्ञान विज्ञान, हमने 18x18 का पहले ही पिरामिड बना चुका था, अभी 40x40 का बन रहा है, और आप लोग की मदद से गाइडेंस में बहुत बड़ा सवाल जी और ये सब जो लोग हैं वो अपने को गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करो, तो वो सब चालू है हमारा। ओके, तो आपके लिए जब भी एक सेशन रहेगा उसमें क्वेश्चन लिख के रखें कि क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें एग्जैक्ट क्या खाना है, वो सब सारा बात कर देंगे। पहले छोटा सा एक नॉर्मल सेशन होगा जिसमें ये सबके लिए कॉमन बात कर देंगे। एक हमारा बुक है हाउ टू लिव हेल्दी, कभी जब मौका मिले मैं आपको, जो भी मुझे हाई करते हैं उनको मैं भेजता हूँ ये पुस्तक, वो छोटी सी बुक है, 10 पॉइंट्स 10 कमांडमेंट 10 टिप्स 10 पॉइजन्स, ये सब सारा उसमें लिखा है, आप ठीक से पढ़ लें उसको, उसी में बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी सारा बात हमने उसके पीछे साइंस क्या लॉजिक क्या सब विस्तार में बताया हुआ है। फिर भी अगर रुक गया कुछ रह गया, 5-5 मिनट का मेरा वीडियो है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ ताकि इतना लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। तो जब भी सेशन होगा 40-45 मिनट में हम हर चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, उस दिन आप अच्छे से समझ लें, जब भी मौका मिले तो फिर होगी मुलाकात। रूबी सेठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मास्टर हैं, वाइफ जब इनको देखते बोलते ये कितना कूल काम है, देखो तो इतना अच्छे से बात करती हैं, एक वर्ड में फटफट बोल दिया। अभी कुछ आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जो उन्होंने रिप्लाई किया वो तुरंत में डिसीजन हो गया, अरे यार ये इतना अच्छा फर्म डिसीजन लेती है, क्विक डिसीजन लेती है। ओके, तो सो और बहुत बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में बताना असंभव नहीं होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही, स्टार्टिंग था पहला हमारा इंट्रोडक्शन इतना, बाद बाकी जब मौका मिले सेवा के लिए हम करेंगे, हमने तो देश सेवा और समाज सेवा के लिए ही पैदा हुए, यही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रूबी जी, ये रूबी जी का ही मंच है, ये हम सबका मंच है, कोई गेस्ट नहीं है, हम मैं भी तो आपके साथ सीख ही रही हूँ ये। सो थैंक यू संजय जी, डेफिनेटली हम बहुत जल्दी अब सेशन प्लान करते हैं,
और यहाँ पर ताकि सब को देखिए सर ने एडवाइस कर ही दिया है कि अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखिएगा कि आप जानना क्या चाहते हैं, सो बहुत जल्दी उस चीज को हम आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है पूनम जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ रूबी जी, हाँ आवाज आ रही है रूबी मैम? आप बोलिए यार, हाँ, आ रही है जी। संगीता जी से मुझे ये कहना है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज का जो चैप्टर था संगीता जी, वो मेनली इसी पे था कि बॉडी माइंड एंड सोल कैसे अलाइन किया जाए। अभी संजय साहब आए और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हमें आहार विहार और विचार। आप बोलेंगी कुछ, सोचेंगी कुछ और, करेंगी कुछ और, तो कभी भी अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाइएगा। जो रूबी मैम कह रहे थे ना कि उनकी नजरें यहाँ वहाँ हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है या सेल्फ लव पे वर्क नहीं हो रहा है, वो वर्क इसीलिए नहीं हो पा रहा है मैम कि आपके अंतर्मन कुछ और चाह रहा है, आप बाहर कुछ और दिखा रही हैं और विचारों में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजय जी। तो हम लोग एक दिन प्लान करेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा सेशन तो 14-15 तक है, उसके बाद